नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा अदानी पावर के स्टॉक के बारे में। कल देर रात खबर आते हुए दिखी है इस स्टॉक को। इनफैक्ट आज के सेशन में 7 अप्रैल को ही आई है, BSE पे अपलोडेड है ये, आप पढ़ सकते हैं इजिली। BSE की साइट पे आप अदानी पावर पे जाके देखेंगे तो कल एक अपडेट आई है जो आप इजिली पढ़ सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव खबर है कंपनी की तरफ से देखी जाए तो। बट इसका कितना एक्शन होगा मंडे के सेशन में, इसके बारे में बात करूंगा। एंड बात करेंगे क्या यह निवेशकों के लिए अपॉर्चुनिटी है, क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए, यहां से पैसा बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा करेक्शन ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया है इन स्टॉक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, मैंने आज के सेशन में अदानी एंटरप्राइजेस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जहां आप लोगों के साथ बात करी थी, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि अभी आप रुक जाइए, इन स्टॉक्स में मत खरीदिए। तो लोग कह रहे हैं मैं नेगेटिव हूं अदानी ग्रुप को लेकर। मैं सिंपल सा व्यू बता दूं, मैं अदानी ग्रुप पे पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी नहीं। मैं आपके साथ ये जरूर कहता हूं कि आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, नहीं लेने चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है नेगेटिव हूं मैं। मेरा सिंपल सा व्यू है कि अदानी ग्रुप में जो वॉलिटिलिटी है वो नॉर्मल रिटेल कैटेगरी का इन्वेस्टर नहीं झेल सकता है। हो सकता है जो कमेंट करते हैं उनमें पावर है, उनमें समझ है और वो मार्केट में पहले से निवेशित है, उन्हें पता है गिरावट और तेजी मंदी जो है चलती रहेगी, अगर मेरे को भरोसा है तो मैं रखूंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे बिगिनर्स होंगे हमारे चैनल पे जो देखते हैं और सीधे ट्रेड कर लेते हैं, और जब 5% नीचे आ जाए स्टॉक तो उनके पैसे में लॉस होता है, तो फिर वो बेच देते हैं और अगले दिन फिर वो 10% ऊपर हो जाए, तो इस तरीके की वॉलिटिलिटी नहीं झेल पाते। इसलिए मैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्टॉक्स को अवॉइड की राय देता हूं ज्यादातर फिलहाल, और आपको भी पता है वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। बाकी मेरा व्यू सिंपल सा है, कोई नेगेटिव नहीं कोई पॉजिटिव नहीं है, ये मैंने अपना एक डिस्क्लेमर दे दिया और काफी बड़ा डिस्क्लेमर हो गया ये। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा जो BSE पे अपलोडेड आर्टिकल है वो क्या है, तो यहाँ पे आपके साथ क्लियरली शेयर करूं तो सब्जेक्ट है इंटीमेशन अंडर द सेबी रेगुलेशंस 2015 फॉर कमीशनिंग ऑफ पावर जनरेशन यूनिट। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो यहाँ बांग्लादेश को अदानी पावर की एक सब्सिडरी है जो कि पावर सप्लाई करने वाली है PPA के तहत, परचेसिंग पावर एग्रीमेंट के तहत, पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं पूरी डिटेल क्या है। और यहां पे दो खबर है एक साथ, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बता दूं APJL अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अदानी पावर लिमिटेड विल सप्लाई पावर अंडर अ 25 ईयर पावर परचेज एग्रीमेंट यानी PPA to corresponding net capacity of 748 megawatt from unit 1 to Bangladesh Power Development Board. तो unit 1 से 748 megawatt की power supply करेंगे बांग्लादेश को, और ये effect होगा from 6th April 2023, यानी कि effect कल से हो चुका है। आगे एक और बात करूं तो unit 2 जो है इनकी 800 megawatt की, वो advanced stage पे है completion के, यानी कि complete होने वाला है उसका भी, is expected to be commissioned soon, वो भी जल्दी से जल्दी काम करने शुरू होने वाली है और पूरा कंप्लीट होने वाला है 800 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट इनका यूनिट 2 है। तो ये दो इनके खबर आते हुए दिखे हैं। आगे एक और मैं आपके साथ डिटेल पढ़ना चाहूंगा, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट यूनिट 1 ऑफ 800 मेगावाट कैपेसिटी ऑफ द 2x800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर सिटिकल पावर प्रोजेक्ट ऑफ अदानी पावर झारखंड लिमिटेड APGIL सिचुएटेड इन गोदा डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड हैज अचीव्ड कमर्शियल ऑपरेशंस। तो जो 800 मेगावाट की दो है उनमें से एक तो आपको दिख रहा है 748 मेगावाट सप्लाई करने वाली है और दूसरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की कगार पे। तो ये खबर आती हुई दिखी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, होप आपको समझ में आई होगी। अब कितना इंपैक्ट पड़ेगा तो मुझे नहीं लगता इस तरीके की न्यूज का कोई भी इंपैक्ट पड़ता है, और फिलहाल तो अदानी ग्रुप पे केवल और केवल वो हिंडनबर्ग से रिलेटेड या फिर अदानी ग्रुप कुछ बोले उसी से रिलेटेड जब बात होती है तभी इंपैक्ट पड़ता है। अब सवाल ये उठता है क्या लेना चाहिए, तो फिर से वही कहूंगा नहीं लेना चाहिए, बेच देना चाहिए तो कहूंगा नहीं बेचना चाहिए। अच्छा एक चीज और है, आप लोग सिर्फ ये देखते हो मैं ये बोलता हूँ खरीदना नहीं चाहिए, मैं ये भी बोलता हूँ बेचना नहीं चाहिए, बट वो कोई देखता ही नहीं है, वो सिर्फ नेगेटिव वाले बात करते हैं। ठीक है, अब सिंपल सा व्यू, हमें अगर लेना है तो कब लेना है, तो अभी क्वार्टरली नंबर्स आने दीजिए, पूरे फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगी आपके लिए, फिर हम जज करेंगे कि भैया खरीदना है नहीं खरीदना, क्योंकि एट द एंड जो नंबर्स है उस पर तो स्टॉक रिएक्शन देगा। बाकी एक चीज और बोलना चाहूंगा, अदानी पावर वैल्यूएशन वाइज बहुत सस्ता हो गया, और अदानी ग्रुप से अगर वैल्यूएशंस को लेकर कंसर्न्स थे तो अदानी पावर पे इस समय नहीं होने चाहिए, लेकिन डेट को लेकर कंसर्न्स हैं तो अभी भी हैं। वहीं बात करें एक और अदानी ग्रुप स्टॉक्स की, जो कि वैल्यूएशन वाइज ठीक ठाक दिख रहा है, उतना कंफर्ट नहीं, वो अदानी विलमार है और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, बट उसके एडिबल ऑयल के लिए
कुछ नेगेटिव न्यूज आती हुई दिख रही है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अभी दो दिन और हॉलीडे, आराम से धीरे धीरे कवर करेंगे। तो ये मेरी तरफ से अदानी पावर के स्टॉक के ऊपर बात। अभी थोड़ा सा टेक्निकली और देख लेते हैं अदानी पावर के स्टॉक को कैसा दिखता है, तो पूरी डिटेल्ड हो जाएगी वीडियो थोड़ी सी। अदानी पावर का स्टॉक में एक सेकंड होता है 192 के लेवल पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाया। एक महीने का चार्ट खोल के देखूं तो स्टॉक में अराउंड 215 के हाई लगे हैं। तीन महीने का देखूं तो ऊपर से वन साइड गिरा था 275 से, जहां पे डबल बॉटम क्रिएट करा 140 पे। ऊपर में स्टॉक 215 तक गया, उसके बाद साइडवेज नेगेटिव हो गया। 215 निकालेगा तो फिर स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम में आएगा और 250 रुपए तक के लेवल बनेंगे। बट जब तक 215 के नीचे मैं थोड़ा सा कॉशियस साइड पे रहूंगा और मुझे लगता है दोबारा स्टॉक 180, 160 और 150 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। इस बीच में अगर कोई शॉर्ट में पोजीशन लेके बैठा और स्टॉप लॉस मांगते तो 174 का होगा। ये अभी जो रिसेंटली जो मूव दिया है उसके लो का है, जो कि आपका 28 मार्च को लो लगाया है 173 का, तो उसके स्टॉप लॉस के साथ आप चाहे तो बने रह सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ में पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।